नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं दिनभर की हर छोटी बड़ी खबर पर। सुंजवा में आतंकी मुठभेड़ के बाद जवानों की हुई अतिरिक्त तैनाती। कल प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे को लेकर नए सिरे से की गई सुरक्षा समीक्षा। कुलगाम के मिरहामा में आतंकियों व सुरक्षा बलों के मध्य मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी को किया गया ढेर। एनआईए प्रमुख कुलदीप सिंह ने किया सुंजवा इलाके का दौरा। शुक्रवार को हुए एनकाउंटर को लेकर ली जानकारी। प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे को लेकर तमाम तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। प्रधानमंत्री की रैली मल्टी टियर सुरक्षा घेरे में होगी आयोजित। भारतीय स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के खिलाफ मिली चेतावनी। यूजीसी और एआईसीटीई नहीं देगा उन्हें मान्यता। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 2 एआरटीओ अधिकारियों को किया गया अटैच। वहीं 1 केएस अधिकारी को डिपार्टमेंट से किया गया रिलीव्ड। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। बलोल पुल सरोवर से बड़ी ब्राह्मणा तक रहेगा नो पार्किंग जोन। सुंजवा मुठभेड़ के बाद कटरा में सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी रात को भी पुलिस द्वारा वाहनों की ली गई तलाशी। डीसी अनंतनाग ने 7 लंबड़दार और 1 चौकीदार को किया बर्खास्त। उन पर स्टेट व काचराई भूमि पर अतिक्रमण करने में शामिल होने का आरोप। एनआईए सुंजवा एनकाउंटर की कर सकता है जांच। शुक्रवार शाम को ही एनआईए की एक टीम ने लिया था मौके वारदात का जायजा। जूलॉजी एंड माइनिंग विभाग ने डीएमओ द्वारा लोगों को धमकाने के आरोप को किया खंडन। कहा ऐसी खबरें हैं पूरी तरह से बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी ने संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखने की अपील। बोले प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान रिजर्वेशन इन प्रमोशन को दोबारा करें बहाल। पुलवामा में करंट लगने से 1 पुलिसकर्मी की मौत, 1 घायल। मृतक की पहचान जावेद अहमद और घायल की पहचान मंजूर अहमद के रूप में हुई। सुरसियाल कुटबल रोड पर प्रोटेक्शन वॉल की उठी मांग। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द काम शुरू करवाने की लगाई गुहार। एनएचएम एम्प्लॉयज ने एक दिन अपनी स्ट्राइक स्थगित करने का लिया फैसला। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते लिया गया ये फैसला। कश्मीरी युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से मृतक का शव वापस लाने की अपील। जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एसोसिएशन ने बोपी के विरुद्ध जताया रोष। कहा ना तो आईएनसी और ना ही पहला स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल को किया गया लागू। जम्मू कठुआ रेल ट्रैक पर ऑयल टैंकर ट्रेन से पेश आया हादसा। ट्रेन से टकराने के कारण करीब 23 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। कहा प्रधानमंत्री दौरे से जम्मू कश्मीर के लोगों को है बहुत सी उम्मीद। जम्मू में समूह थिएटर द्वारा सोलो म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया गया आयोजित। इस दौरान प्रिया सेठी व सोहेल काजमी रहे उपस्थित। जीजीएम साइंस कॉलेज के सामने खुला कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। स्थानीय पार्षद जीत कुमार रंगराल ने किया कैरियर मेकअप का उद्घाटन। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग। बोले प्रधानमंत्री मोदी अपने जम्मू दौरे के दौरान करें ऐलान। तहसीलदार कोकरनाग ने 50 साल से अतिक्रमण की गई भूमि को कराया मुक्त। स्थानीय लोगों ने सैयद मुइज कादरी के कड़े कदमों की सराहना। ओबीसी कैटेगरी के लोगों ने जम्मू में किया प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और ओबीसी की जनगणना की मांग।
जम्मू कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर ने श्रीनगर में मीडिया को किया संबोधित, कहा लोगों को गुमराह करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ हो कार्रवाई। जम्मू कश्मीर आवामी आवाज पार्टी ने कश्मीर में बिजली कटौती के विरुद्ध किया प्रदर्शन, पवित्र रमजान महीने में निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने की अपील। उधमपुर राउंड दो मेल के लोगों ने पीडीडी के विरुद्ध किया प्रदर्शन, कहा कई बार नए ट्रांसफार्मर की मांग लेकिन विभाग सोया गहरी नींद। कोटरंका में हेल्थ मेले का किया गया आयोजन, विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर किया गया लोगों को जागरूक। नौशहरा में इरीगेशन विभाग की लापरवाही से लोग परेशान, नहर में गंदगी भरी होने के कारण पानी होता है ब्लॉक। दशनामी अखाड़ा पुंछ द्वारा महामंडलेश्वर कन्वेंशन का हुआ आयोजन, स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज मुख्य रूप से रहे उपस्थित। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।